हाउ आर यू रणबीर, मैं पंजाबी च पूछदी हां, किवें लग रहा है चंडीगढ़ आके? चंगा लग रहा है, एक्चुअली बहुत बढ़िया लग रहा है। जो भी चंडीगढ़ आता हूं तो यहां के ऐदा ते लोग, ऐदा ते खाना, सब सब चीजों में मिठास है। एक्चुअली मैं बहुत खुश हूं कि आज पहला दिन है मार्केटिंग का, प्रमोशन का, और मैं चंडीगढ़ से शुरू कर रहा हूं, और दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ माय फेवरेट सिटीज इन इंडिया। थैंक यू सो मच एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। मैं तो क्वेश्चन भूल गई हूं आपको देख के। पूछो ही मत। नहीं नहीं, पूछना जरूरी है, पेमेंट नहीं मिलेगी। ओके, सो रणबीर, द ट्रेलर लुक्स सो फ्रेश, बहुत अच्छा ट्रेलर लग रहा है। एंड श्रद्धा कपूर और आपके लिए कॉम्प्लीमेंट मुझे लगता है आपको मिलते ही आ रहे होंगे। यू गाइज लुक सुपर क्यूट टुगेदर, सो प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट द फिल्म। वेल, फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी है, ये एक हिलेरियस लव स्टोरी है। एक्चुअली आपको बहुत हंसाएगी, एट द सेम टाइम देयर इज अ लॉट ऑफ फैमिली वैल्यूज इन द फिल्म। जो किरदार मैं निभा रहा हूँ उसका नाम है मिकी, वो एक ब्रेकअप आर्टिस्ट है, जो लोग अपने रिश्तों को लेकर बहुत दुखी है, एंड यू नो दे वांट चेंजेस इन देयर लाइफ। वो बहुत अच्छी तरह ब्रेकअप कराता है, सब पार्टीज खुश होते हैं, ऐसा किरदार है। बट ऑफकोर्स दैट्स नॉट व्हाट द फिल्म इज अबाउट, वो हम थोड़ा सीक्रेट रखेंगे। जब ऑडियंस फिल्म को देखेगी ऑन होली 8th of March, आई होप दैट दे ट्रूली एंजॉय इट। एंड आपको हमने देखा ट्रेलर में मक्कार का टाइटल दिया है, सो व्हाई इज दैट? इतना हैंडसम लड़का, उसको मक्कार का टाइटल क्यों दिया? क्यों मक्कार हैंडसम नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं वैसे, ब्रेकअप में फिर मजा आता है। मक्कार का एक्चुअली मीनिंग क्या है? समवन हु इज कनिंग, इंटेलिजेंट। जो जो फिल्म में जो इस किरदार के जो हालात होते हैं उसको मकारी पर उतर आना पड़ता है, तो दैट्स व्हाई आई गेस लाइक आई सेड बिफोर कि जब लोग फिल्म देखेंगे दे विल अंडरस्टैंड द कैरेक्टर नाउ। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, के मूवी में हम सब ने देखा है कि रिलेशनशिप में घुसना इजी है बट निकलना मुश्किल है, सो डू यू पर्सनली आल्सो फील अबाउट इट, और मूवी में क्या इसका रोल है इस लाइन का? रिलेशनशिप में घुसना आसान है, उसमें से निकलना मुश्किल, आई थिंक ये सच बात है। आई थिंक जब लोगों को प्यार होता है पहली बार या दूसरी बार या चौथी बार, आई थिंक वो जो एक्साइटमेंट होती है अंदर, वो जो एक नए नए प्यार की जो फीलिंग आती है ना, इट्स ऑलवेज ईजी टू यू नो स्टार्ट, सो दैट्स अ वेरी ग्रेट टाइम। बट जब रिश्ते तोड़ते हैं, ऑफकोर्स रिश्ता टूटता है, ऑफकोर्स दैट्स अ वेरी सैड टाइम फॉर बोथ पार्टीज, एंड समटाइम्स वन पर्सन इज स्टिल इन लव, द अदर पर्सन इज नॉट इन लव, तो थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। तो यस, getting out of relationships is much harder. Yeah, I know. Okay, so now the questions are open to media, and usse pehle ke media ko please mic pass kar dijiye. And Ranbir, by the time, what is your favorite song from the movie? From the movie, I would say ek gana aa raha hai agle hafte jiska naam hai Bedardiya, which is the sad song. It's about to. Okay. It will release next week. I think that is my favorite song. Okay. So guys, the questions are open to the media, and I request all the media members ke hum log sirf aur sirf movie ke baare mein baat karenge. Yes, okay. So. Kuch bhi puchho. हाँ, कुछ भी पूछ सकते हो, चलो। आजकल मेरे लाइफ में कुछ कंट्रोवर्सी नहीं हो रही है। मैं यही बोल रही थी, मैंने कहा कोई कंट्रोवर्सी तो चल नहीं रही है। हेलो रणबीर पाजी, वन बाय वन प्लीज। आप पूछ लो जी। आप बोलो कि मैं नाचूं अभी? अच्छा, ये जब खत्म होगा तो मैं आपके साथ नाचूंगा, पक्का, प्रॉमिस। ढोल वाले भी लाए। Guys, can we please have silence? We can't hear the questions. Yes, please. ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ लड़कियां झूठी होती हैं, लड़के भी झूठे होते हैं। क्या है कि ना, थोड़ी दिक्कत होती है कि जब हम ऐसी किस्म की फिल्में करते हैं ना, ज्यादातर ऑडियंस सोचने लगती है कि जो एक्टर्स प्ले करे वो भी ऐसे ही हैं। मेरे साथ हुआ था जब मैंने बसना हसीनों की थी, जो मेरी दूसरी फिल्म थी, बहुत लोग ऐसा सोचने लगे, अच्छा ये तो ऐसा ही होगा, तो एक वो स्टैम्प लग जाता है, बिकॉज इट्स समवेयर। ऐसी जो जॉनर होती है, आपको अपनी खुद की पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करनी पड़ती है आपके पीछे, यू नो, ऐसा कुछ किरदार नहीं होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते। तो यार, झूठे दोनों होते हैं यार, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़की झूठी होती है और लड़का मक्कार होता है। नहीं भाई, ये मूवी तो सबसे मुश्किल होती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था ना, अगर मैं संजू जैसी फिल्म करूँ या रॉकस्टार जैसी फिल्म करूँ, तो उसके पीछे किरदार होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, मैनरिज्म्स होते हैं। ऐसी फिल्म में आपको खुद की पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करनी पड़ती है, तो और मुश्किल होता है। और मैंने अभी करीबन कितने किए, मैंने बचते हैं हसीनों किया है ये जॉनर में, अजब प्रेम की गजब कहानी की है मैंने, ये जवानी है दीवानी इज मोर फॉर लव स्टोरी, सो आई वुड से इट्स अ रोम कॉम, इट्स अ कमिंग ऑफ एज लव स्टोरी आई गेस। ए दिल मुश्किल की है, अनजाना अनजानी की है, तो ये मेरी 6th रोम कॉम है। तो आई थिंक इसके बाद मुझे रिटायर होना चाहिए जॉनर से, तो लोग मुझे रिटायर कर देंगे। श्रद्धा के साथ मैंने पहली बार काम किया इस फिल्म में, मैं श्रद्धा को बचपन से जानता हूँ, हाफ फैमिली इज हैव बीन फ्रेंड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो बहुत ही कमाल की आर्टिस्ट है, वेरी हार्ड वर्किंग, शी इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल ऑन स्क्रीन,
एंड आई थिंक उसने बहुत मेहनत की है इस फिल्म में. यू बी रियली सरप्राइज टू सी श्रद्धा इन दिस फिल्म. शी इज रियली द परफॉर्मेंस ऑफ द फिल्म. ये जो हमारे डायरेक्टर साहब है वो सबसे बड़े मक्कार है. उनका कुछ आइडिया है वो मुझे भी समझ नहीं आता कि हम अलग अलग प्रमोट करें. तो मैं भी चाहता हूँ कि हम साथ में करें, बट आई गेस आगे जाके कुछ करेंगे. रणबीरपा जी जब गाना इधर सामने सर, सामने ये रणबीरपा जी जब गाना है ना प्यार क्या किया, तब कॉमेंट पढ़ा मैंने, नीचे लिखा था कौन कह सकता है कि इंसान अपनी बायोपिक में काम नहीं कर सकता. लोग कह रहे हैं कि आपकी बायोपिक है एक तरह से, कैसे देखते हैं इस कमेंट को? मैंने अभी इस सवाल का जवाब दिया कि ये मेरी बायोपिक बिल्कुल नहीं है. मैं नहीं बोल रहा कि मैं मुझे प्यार होता होता कई बार है. मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि यार टेंशन मत ले, तेरा अगर ब्रेकअप भी हुआ है इट्स ऑल गुड, प्यार होता कई बार है. और ये भी बोलना चाहता हूँ कि कभी कभी प्यार एक बार भी होता है और वो बहुत लकी इंसान होते हैं कि पहली बार किसी से प्यार किया. और मेरे ऐसे बहुत दोस्त हैं, I've seen a lot of like family members also which that's been their first love together and they've lasted for 40, 50, 60 years together. और कभी कभी आपको दो तीन चार relationship से गुजरना पड़ता है till you find the correct person and that's also fine. You know, आप खुद को पहचानते हो, आपको समझ में आता है relationships के बारे में, you know how much you have to give, the respect, everything. So it's fine both ways. Love में कोई rules नहीं होते basically. तो आपके घर दादा साहब फाल्के award आए हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ऑफ कोर्स आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ये सम्मान दिया. आई डोंट थिंक आई फुली डिजर्व इट फॉर ब्रह्मास्त्र. वो बहुत बड़ी कुछ एक्टिंग परफॉर्मेंस नहीं थी, बट जब भी कुछ अवार्ड आता है तो ऑफ कोर्स यू फील ग्रेट. आई एम वेरी एक्साइटेड दैट आलिया वन द अवार्ड बिकॉज शी वाज ट्रूली डिजर्विंग इन हर परफॉर्मेंस इन गंगूबाई. आई थिंक दैट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेज एवर. बट जब अवार्ड मिलता है एक अच्छा एक फीडबैक तप्पी मिलती है कि चलो यू नो आपने ठीक ठाक काम किया. और ज़्यादातर फीलिंग ये होती है कि चलो ये बच गया, अभी अगले तक टेंशन अभी रखेंगे. अब ये जो फिल्म रिलीज होगी ये भी चल गई तो ज्यादातर यही होता है कि बच गए, ऑन टू द नेक्स्ट. जी तशिकल्पा जी बहुत बहुत स्वागत है जी चंडीगढ़ के. सो असी सारा जो यूथ है साडा थोड़ी फिल्मा देख के प्यार करना सीखा, सारी फिल्मा देख के. सो थो लगता है कि प्यार बहुत कर लिया, हम तुसी ब्रेकअप करना सिखा रहे हो लोगों को? नहीं, जैसे मैंने इस फिल्म में मैं ब्रेकअप करा रहा हूँ लेकिन मुझे खुद प्यार हो जाता है तो मैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार देता हूँ. प्यार से बढ़कर क्या है दुनिया में? And not only partner love, if it's आपके family की तरफ है, आपके दोस्तों की तरफ है, आपके जानवरों की तरफ है, किसकी भी तरफ है, I think love is the greatest feeling ever. And जहाँ breakup का सवाल होता है, any kind of breakup, any kind of conflict, वो हमेशा बुरा लगता है, हमेशा एक अच्छी बात नहीं होती. But इस फिल्म में हमने सब कुछ entertaining comedy तरीके से दिखाया है. इसमें हमारे बहुत ही मशहूर अभी जो stand-up comedian है बस्सी भाई भी है, जो उन्होंने बहुत कमाल का काम किया. आपने बस्सी के videos देखे? वेरी मैं उसको भी करना सिखा रहा हूँ बस्सी को. नहीं नहीं, ऐसा पागल है बस्सी, ओरिजिनल है. उससे कोई उसके जैसा मैंने कोई इंसान ही नहीं देखा. वो इतना अच्छा इंसान है और इतना अच्छा लिखता है. आई थिंक जो स्टैंड अप कॉमेडी की जो एक आर्ट होती है वो बहुत मुश्किल होती है. हमें लगता है कि अरे हम भी ऊपर जाके दो तीन जोक्स मार देंगे तो यू नो लोग हंसेंगे. उसमें बहुत एक कला है एंड आई थिंक बस्सी इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट. रणबीर, अरे रुक ना, सबको तो पूछते थे यार. हाय रणबीर, थोड़े अकॉर्डिंगली प्यार दे विच कितना पोजेसिव होना जायज होता है? जी तुसी ज्यादा पोजेसिव हो या आलिया? आई थिंक जब मैं मेरी बात कर सकता हूँ, जब मैं यंगर था शायद मैं ज्यादा पोजेसिव था. बट आई थिंक नाउ दैट आई एम ओल्डर आई अंडरस्टैंड लाइफ मोर, आई अंडरस्टैंड थोड़ी दुनियादारी भी आ गई है. आई थिंक पोजेसिवनेस बहुत ही एक सेल्फिश इमोशन है. I think you have to be very secure, you have to give the freedom to your partner. I think सबसे important चीज़ जो होती है एक relationship में वो है respect. अगर आप respect करते हो एक दूसरे को, अगर if you give each other time, if you give each other love and respect, then possessiveness और ये छोटी छोटी चीज़ें you know ये नज़र नहीं आती. रणबीर सर, हाँ मैं यहाँ पे ही हूँ. हाँ जी नमस्ते, आपको बहुत बहुत मुबारकें. शुक्रिया. फर्स्ट टाइम में जब होली को फिल्म रिलीज हो रही है जी, पहले होली में फिल्में बनी होती है गाने भी आते थे जी जी, क्या इसमें कोई होली के ऊपर गाना है कोई? सर रिलीज होली पे है लेकिन फिल्म होली के समय नहीं हो रही. नहीं ऐसा कोई गाना होली पे नहीं. मेरा एक गाना था बलम पिचकारी जो होली पर फिल्माया गया था. इसमें कोई गाना नहीं, इसमें होली का गाना नहीं, इसमें गोद भराई का गाना है जो ठुमका है. हाय रणबीर. हेलो. हाय हाय. मुझे ये बताइए, ब्रेकअप करना सिखा दिया, मूवी देख ली, अब मान लीजिए आपका अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाता है तो तीन कौन से मान सकता हूँ? अभी मेरी शादी हो गई है तो बोल रहा है गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया. मान लीजिए फॉर द यूथ आई एम सेइंग, फॉर द यूथ. तो एक कैरेक्टर समझा रहा है मुझे. यस ओके. तो फिर कौन से तीन तरीके होंगे कि वहां से निकल पाए ब्रेकअप करने के, फ्रॉम पर्सनल एंड फ्रॉम द मूवी ऑफ लॉन्ड?
यार क्या है कि जो मैं फिल्में करवाता हूँ वो बहुत मैन्युपुलेटिव है. आई डोंट फील कि रियल लाइफ में ऐसी चीज़ें ऐसी मैन्युपुलेशन यूज़ करना चाहिए. आई थिंक जब आपका दिल उठ चुका हो उस रिलेशनशिप से, जब आपका प्यार ख़त्म हो गया है, आई थिंक ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट थिंग एंड यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव दैट यू डोंट हर्ट द ऑपोजिट पार्टी इफ इट्स अ बॉय और अ गर्ल. तो ये इसमें सब मैन्युपुलेशन काम नहीं आता. यू नो यू हैव टू जस्ट बी रियल एंड जो आपके अंदर जो बात है, जो सच्चाई है, जितना आप साफ साफ कह सकते हो वही बेटर होगा. रणबीर जी तुसी पंजाब दी धरती चो, पंजाब दा जिहड़ा इतिहास है काफ़ी रिच है, हैरीटेज काफ़ी रिच है. जे कदे मौका मिलिया ते तुसी चाहोगे पंजाब दे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट ते काम करना? बिल्कुल. आई थिंक जो कल्चर पंजाब में है वो दुनिया भर में आई थिंक इज द रिचेस्ट कल्चर. मैं अभी पिछले 4 दिन से पटियाला में शूट कर रहा हूँ मेरी जो फिल्म अगली आने वाली है एनिमल, उसके लिए. और जब भी मैं यू नो पंजाब में शूट का जो एक एक, एक बहुत ही होलसेम वॉर्म फीलिंग आती है, यू नो जब मैंने यू आर इन पंजाब अबाउट म्यूजिक, फूड, पीपल, लव, एवरीथिंग, इट्स फिल्ड विद ऑल ऑफ दैट. सो आई वुड लव टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक दैट. मैंने एक सरदार का किरदार निभाया था रॉकेट सिंह, सेल्समैन ऑफ द ईयर में. बट आई रियली होप दैट यू नो देर इज अ स्टोरी दैट अ डायरेक्टर सीज मी इन. जैसे है कोई ऐसा किरदार आपके माइंड में, ऐसी बायोपिक जो आप मुझे देखना चाहोगे उसमें? किसान का मुद्दा जी बहुत चल रहा है पंजाब. बिल्कुल बिल्कुल. तो अगर कोई अच्छे फिल्म मेकर ने एक अच्छी कहानी लिखी है मैं बिल्कुल करना चाहूंगा. जिहड़ा तुसी किरदार जी दी तुसी गल कीती रॉकेट सिंह, मैनू लगदा वी जिहड़ी करैक्टराइजेशन हुंदी है सरदारां दी ओह बखूबी होई रॉकेट सिंह दे विच. बहुत शुक्रिया. थैंक यू. हाय रणवीर. दिस साइड. हेलो विच साइड? हाय सेम. मुस्कान फ्रॉम न्यूज़ ओनली. सबसे पहले तो रणवीर कांग्रेचुलेशन फिल्म के लिए. तो जब ये ट्रेलर आया तो ज़्यादातर फैंस के रिएक्शंस थे कि हमारा बनी जो है फिर से वापस आ गया, बनी फिर से वापस आ गया. तो हम फैंस को तो रोम कॉम फिल्म्स में आप देखना हमें पसंद है और आपका जो ये बनी वाला शेड है वो देखना पसंद है, लेकिन रणबीर को एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, खुद को किस जॉनर में देखना ज़्यादा पसंद है? मुस्कान ऐसी तो कोई जॉनर नहीं है दैट यू नो आई वुड ओनली लाइक टू डू दैट. एज एन एक्टर ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मेरी ड्यूटी है दैट यू आई ट्राई डिफरेंट कैरेक्टर्स. अगर मैं वही बनी टाइप कैरेक्टर करता जाऊँगा तो आप खुद पक जाओगे और बोलोगे अरे हटाओ इसे, यू नो. तो यू हैव टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स. मैं बहुत सालों से ये बात कह रहा हूँ कि मुझे फिल्म बनानी है, मुझे फिल्म डायरेक्ट करनी है. तो जो जॉनर मेरा सबसे फेवरेट जॉनर आई गेस फैमिली एंटरटेनर है. जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ तो मेरे दादाजी राज कपूर ने एक फिल्म बनाई थी श्री 420. मुझे वो फिल्म बहुत पसंद है, मेरे दिल के बहुत करीब है. एक दूसरी फिल्म है लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, एक इटालियन फिल्म है, वो भी मुझे बहुत पसंद है. तो मैंने भी एक स्क्रिप्ट लिखी है लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं है जितना मैं और अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहा हूँ. तो समझ में आ रहा है कि फिल्म बनाना बहुत ही मुश्किल काम है. एज एन एक्टर इट्स फेमो ईजियर टू वर्क इन फिल्म एन अ डायरेक्टर. बट बचपन से मेरी चाहत थी टू डायरेक्ट अ फिल्म एंड आई होप आई कैन डू दैट सून. Hello sir. Hi. Here sir, here. Hi, sorry I can't see you. Yeah. Hi, what's your name? My name is Priyanka. I'm from Amar Ujala newspaper. Sir, recently aap pita bane, so how's the feeling of, you know, being a father? Aap maa ho? No, okay. I'm not. Okay, so I wish you become very soon because aisi koi feeling hi nahi hai duniya mein. You know, main abhi 40 saal ka hu. तो मुझे लगा कि अभी आधी लाइफ तो हो गई है, अभी क्या और प्यार होगा, ये होगा, यू नो शादी हो गई है, आई लव माय वाइफ एंड ऑल ऑफ दैट. बट आई थिंक द मोमेंट माय चाइल्ड वाज बोर्न, व्हेन राहा वाज बोर्न, एक इट ओपन्स अ डिफरेंट इमोशन, अ डिफरेंट चक्र इन योर बॉडी. यू नो आई हैव नेवर फेल्ट लाइक दिस एवर इन माय लाइफ एंड इट्स प्योर जॉय. यू नो आई जस्ट वांट टू बी एट होम, आई जस्ट वांट टू बी विद हर. मुझे काम नहीं करना, कुछ नहीं करना, बट ऐसा कर नहीं सकता. बट दैट फीलिंग इज जस्ट, it's I can't explain it, it's the best feeling in the world. Okay, so like you mentioned before, in movies like Sanju and Burfi there's particular characteristics that you have to follow, but in such characters like Bunny or the character you're playing in this movie, there's no particular, it's like charm chocolate boy type of movie. So how do you define the character and how do you make it, you know, new and different from the other characters that you have done? I think oh thank you, would you like a chair? Okay.
how do I make it different? I think most of, sorry, मुझे खांसी हो गई है. I think most of the this genre, ज़्यादातर आपको character script में मिलता है, story में मिलता है. Of course, it's the genre that you know, it's a little superficial where you have to look all pretty and you know, आपको अच्छे गाने मिलते हैं ऐसे genre में. मुझे बहुत मज़ा आता है गाने करने के लिए. You know, I love doing songs and when I get the you know the support of Pritam, Arijit, Amitabh Bhattacharya. I always believe that actors in their careers are always remembered by their songs. Agar aaj aap Shammi Kapoor ke bare mein baat kare ya Rajesh Khanna, you will first thing that will pop up in your mind are their songs. So this genre mein ek baat mujhe bahut pasand hai ki you get really good songs and you get to perform them. To usme mujhe bahut maza aata hai. But having said this, like ye jo kirdar hai tu jhooti mein makkar mein जो किरदार है मिकी का मैं प्ले कर रहा हूँ वो बनी से बहुत अलग है और वो दूसरे जो किरदार मैंने प्ले किए रोम कॉम्स में उससे भी बहुत अलग है क्योंकि जो कहानी है इट्स बेसिकली अ कॉमेडी सो एवरीथिंग इज जस्ट हिलेरियस एंड उसके अंदर छुपा एक लव स्टोरी व्हेन यू गोइंग टू सी माय सोशल मीडिया आई हैव नॉट सीन माय सोशल मीडिया हाउ विल यू सी माय सोशल मीडिया नहीं मेरे पास अकाउंट तो है एक चोरी अकाउंट है बट आई हैवंट रियली कम लीगल क्या बोलते लीगली नहीं ऑफिशियली हाँ जी नहीं नहीं कैसे बोलूँ तुझे तेरा अकाउंट का नाम क्या है वन अभिषेक नरूला अच्छा इंस्टाग्राम अकाउंट ठीक है मैं तुझे फॉलो करता हूँ बट या मैंने ऐसा सोचा नहीं है यू नो नेवर से नेवर आई फील आई हैव अ वेरी शाई पर्सनैलिटी एंड टू बी ऑन सोशल मीडिया यू हैव टू बी वेरी आउट देयर एंड रिफ्लेक्ट योर पर्सनैलिटी एंड बी कलरफुल और वो मेरी पर्सनैलिटी नहीं है दैट्स व्हाई आई स्टेड अवे फ्रॉम इट थैंक यू हाय हाय रणबीर हेलो इधर किधर So I wanted to ask first of all ki how was it to be the hero in Love Ranjan film because you worked with him for the first time another question is any anecdote from the shooting of the this film and something that you got to know about Shraddha Kapoor after are kitne kitne kuch hai ek ek karke pehle Love Ranjan to Love Ranjan maine love ki film dekhi thi pyar ka panchnama 2 और मैंने उसको खुद मैसेज किया था कि यू नो आई रियली इन्जॉयड योर फिल्म एंड आई वुड लव टू कोलैबोरेट विद यू मैं ज़्यादातर डायरेक्टर्स को ऐसा मैसेज करता नहीं हूँ बट आई रियली फाउंड समथिंग वेरी एंटरटेनिंग एंड वेरी नाइस इन दैट फिल्म सो देन वी मेट वी डिस्कस कपल ऑफ आइडियाज़ हम एक्चुअली हमने एक फिल्म अनाउंस की थी विद मिस्टर अजय देवगन एंड माई सेल्फ दैट लव वॉज डायरेक्टिंग और उस टाइम कुछ डेटों की प्रॉब्लम से वो फिल्म हुई नहीं सो वी डिसाइडेड ऑन डूइंग दिस फिल्म एंड आई थिंक लव और मैं दोनों चाहते थे कि हम एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं विच रियली गिव्स अ वार्म फीलिंग टू द ऑडियंस यू नो यस इट इज़ अ रोमांटिक कॉमेडी बट एक जो एक वार्म फीलिंग होती है जब आप फिल्म देखते हो और आपको ऐसा फीलिंग आता है अरे यार बहुत मज़ा आया यू नो लाइक वी शुड रिकमेंड दिस टू आर फ्रेंड्स एंड फैमिली तो हाँ इंटेंशन वॉज दैट विद श्रद्धा इज कंसर्न लाइक आई सेड आई न्यू श्रद्धा सिंस शी वॉज बॉर्न एंड आई रियली एडमायर्ड हर वर्क आई रियली एडमायर हर टैलेंट I really admire the hard work and the passion that she has towards movies and I don't think I could have asked for a better co-star because aise filmon mein jaise title bhi hai tu jhooti mein makkar it's a battle you know so as an actor you need somebody to kind of throw googlies at you so you can throw it back you know you need that and agar aapke samne wala actor agar wo kar raha hai aisi kalakari dikha rahi hai ya dikha raha hai fir aur maza aata hai so I really enjoyed working with Shraddha on this one hi Ranveer hi Tara I'm okay. I think ये थोड़ा मेरा statement misconstrued हो गया था मैं I had gone for a film festival and there were a lot of Pakistani filmmakers asking me this question that you know if you got a good subject would you do it? So I didn't want it to be controversial in any way जैसे हुआ I don't think इतनी भी बड़ी controversy हुई but for me films are films art is art you know I have worked with Fawad in Ae Dil Hai Mushkil I have known a lot of artists from Pakistan you know Rahat and Atif Aslam were such great singers who used to contribute to Hindi cinema so cinema is cinema I don't think cinema sees boundaries but of course you have to you have to respect art but at the same time there is art is not bigger than your country so anybody who is not on good terms with your country your first thing your first priority will always be your country kya baat kar rahi hai pathan ki collection dekhi hai nahi tune kya dai se ya hi ranbir nahi puch le hum pehle aap kaun se publication se ho
बीबीसी न्यूज, अभी तो आपके भी कुछ चल रहे हैं ना आजकल इसका क्या, पहले वो जवाब दो क्या चल रहा है, तो फिर मैं भी बताऊंगा आराम से. ओके, वी विल हैव वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम नाउ. हाय हाय. सो हमने आपकी सारी मूवीज देखी, बीट द बनी रोल, बीट द संजय. सो व्हाट न्यू आर यू ब्रिंगिंग टू द ऑडियंस, टू द प्लेट विद द मूवी तू झूठी मैं मक्का? क्या नया हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा? अभी कैसे बोलूं, अभी हर एक्टर तो ये बोलता है कि मैंने ऐसी फिल्म कभी की नहीं है, नया परफॉर्मेंस है. बट आई थिंक ये फिल्म की खास बात ये है कि इस फिल्म के डायलॉग्स जो है वो बहुत ही अच्छे हैं. आई थिंक लव रंजन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डायलॉग राइटर, एंड उसकी फिल्मों का एक रिदम होता है, एक टोन होता है डायलॉग्स का, विच इज़ वेरी म्यूजिकल. अगर एक सीन भी चल रहा है तो ऐसे लंबे लंबे मोनोलॉग्स लिखता है, और वो ऐसा डायरेक्टर है दैट ही डजंट लाइक यू टू टेक अ ब्रेथ, ही डजंट लाइक यू टू ब्लिंक योर आइज ऑल्सो. तो वो सब बहुत मुश्किल था, बिकॉज एवरी थिंग वॉज लाइक अ एक्शन सीन ओनली, इवन इफ इट वॉज अ फनी और रोमांटिक सीन. बट आई थिंक ये ऐसी फिल्म, आई हैवन डन अ कॉमेडी ऑफ दिस नेचर. आई थिंक द ओनली कॉमेडी आई हैव डन इज अजब प्रेम की गजब कहानी, बट विच वॉज मोस्ट स्लैपस्टिक. But this is genuinely a very funny, hilarious take on love and relationships. Hi, Ranveer. Sir, कुछ लेते पांच छह और. Okay. I think, sir, क्योंकि मैं एक फिल्म परिवार में पैदा हुआ और मेरे परिवार में इतने सारे एक्टर्स रहे, I think मेरे पेरेंट्स भी उनको भी ये लगा कि जब मैंने मेरा करियर शुरू किया कि मैं अपने डिसीजंस खुद टेक करूं, यू नो, तो आई कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माय सक्सेसेस एंड माय फेलियर्स. हाँ, ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं जब अगर मुझे एक स्क्रिप्ट पसंद आती है तो मैं मम्मी को स्क्रिप्ट देता हूँ तो उनकी राय लेने के लिए कि आपको क्या लगा, एंड वो बहुत अच्छी राय देती है. शी इज़ वेरी वेरी, यू नो, शी ऑलवेज सेज द करेक्ट थिंग्स. बट ज़्यादातर मैं अपने डिसीजंस खुद लेता हूँ, आई डोंट इन्वॉल्व माय पेरेंट्स. अच्छा, आई थिंक क्योंकि आई कम फ्रॉम दिस फैमिली, आई हैव नेवर फेल्ट इन अ नेगेटिव वे. मुझे यही लगता है कि एक जिम्मेदारी है, एंड आई थिंक अगर मुझे मेरा नाम बनाना है इस इंडस्ट्री में, इस हमारे देश में, आई थिंक मैं सिर्फ अपनी चॉइसेस अपनी तरीके से कर सकता हूँ. जो मेरे परिवार ने किया है और जो अभी कुछ 90 साल से मेरे परिवार इंडियन सिनेमा में काम कर रहे हैं, आई थिंक वो सब अपने टाइम में सक्सेसफुल रहे हैं क्योंकि वो सब ओरिजिनल रहे हैं, उन्होंने किसी को कॉपी नहीं किया. और ऐसे बहुत सारे सदस्य हैं मेरे परिवार से जिनके करियर्स नहीं चले, यू नो, ऐसे बहुत लोग हैं. तो आई थिंक सिनेमा एंड एक्टिंग इज सच अ थिंग दैट यू हैव टू बी ओरिजिनल. इट इज़ समथिंग दैट द ऑडियंस चूजेज यू, यू नो, दे हैव टू लाइक यू, दे हैव टू लाइक योर वर्क. सब मेहनत से काम करते हैं, सब पूरे प्रेपरेशन से आते हैं, सब कुछ होता है. तो यस, जब मैंने अपनी करियर शुरू की थी तो मुझे सब आसानी से मिला, एंड आई रिकग्नाइज दैट. आई सेड कि यार ये सब मुझे इतनी आसानी से मिल रहा है, सो आई कॉन्ट टेक दैट फॉर ग्रांटेड. यू नो, मैं आई कॉन्ट बी स्पॉइल्ड अबाउट इट. आई हैव टू वर्क वेरी हार्ड सो दैट आई कैन मेक अ नेम ऑफ माई सेल्फ, एंड विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वर्क दैट माई फैमिली इज़ डन. सो वही एक कोशिश है, एंड ऐसे नहीं कि अभी 15 साल बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, आई मेड इट. रोज़ एक इनसिक्योरिटी है, रोज़ एक पैशन, एक अंदर से एक जोश आता है कि यू नो, और बेटर करना है, और अच्छा करना है. फिल्में चलती है तो ठीक लगता है, फिल्में नहीं चलती बुरा लगता है, यू नो. सो एवरी डे इज़ अ स्ट्रगल, बट लाइक एवरी ऑल ऑफ अस हु फेस इन डिफरेंट प्रोफेशंस, वी फेस इट टू एज एक्टर्स ऑल्सो. हाय रणबीर, हियर. सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कैरेक्टर आई थिंक जो मैं अभी इस फिल्म में काम कर रहा हूँ, एनिमल, जो संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म है, वो बहुत ही चैलेंजिंग है क्योंकि ऐसा किरदार, ऐसा ग्रे किरदार मैंने कभी प्ले नहीं किया है, एंड इट्स क्वाइट शॉकिंग फॉर मी ऑल्सो टू प्ले. सो दैट्स बीन क्वाइट चैलेंजिंग सो फार. So we have a question here. This hi, side. Hi, Ranbir. Hello. Hi, Bhavneet here from ABP. What's your name? Bhavneet here from ABP. Last time bhi jab hum mile the na, humne music ki baat ki thi ki aapka filmon ka jo music hota hai, wo bahut grand hota hai. Is film ki bhi baat kare to gaane hain jo already they're getting great response, hai na? To main ye jaanna chahta hu ki most of the time jab bhi film banti hai, kya aap bhi uske music ko lekar concerned hote hain, ya fir gaane aate hain to Ranbir sunta hai, ha ye theek hai nahi hai, ya fir wo shuru se curiosity rehti hai, ya music kaun kar raha hai, music kaisa hoga? Main zyada matlab I don't interfere too much, but I understand, jaise maine pehle kaha tha ki the value of music.
एंड जो प्रीतम दादा और मेरा जो एक एक जोड़ी बनी है, वी हैव डन सम 8 और 9 फिल्म्स टुगेदर नाउ, एंड इवन व्हेन आई वर्क विद मिस्टर रहमान ऑन रॉक स्टार एंड तमाशा, तो मैं अपने अब मैं पार्टिसिपेट बहुत करता हूँ. मैं म्यूजिक सिटिंग्स में जाता हूँ, जब वो सिलेक्शन प्रोसेस होता है कि दोनों की अच्छा ये धुन अच्छा है वो धुन अच्छा है, सो इट इज़ समथिंग विच आई एंजॉय एज एन आर्टिस्ट. तो इट्स आई वुड कॉल इट इंटरफियरिंग, बट आई वुड से दैट मुझे पसंद है, गाने पसंद है मुझे. सिनेमा, इंडियन सिनेमा मीन्स सॉन्ग्स, इंडियन सिनेमा मीन्स ड्रामा, रोमांस, कॉमेडी. क्या है कि इंडियन सिनेमा इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम वर्ल्ड सिनेमा बिकॉज वी मेक मल्टी जॉनर सिनेमा. हमारी एक ही फिल्म में इतनी जॉनर्स होती है दैट वी गिव ऑडियंस एन एंटायर गैमिट ऑफ इमोशंस, सॉन्ग्स, डांसेस, ड्रामा, एक्शन. बट आई फील सॉन्ग्स इज समथिंग विच आई रियली एंजॉय एंड आई रियली. ऐसी म्यूजिक सिटिंग याद है जो कभी नहीं भूलते आप? आई थिंक पहली बार जब रॉकस्टार के दौरान जब हम प्रेप कर रहे थे, व्हेन वी वेंट टू चेन्नई टू सिट विद मिस्टर रहमान, एंड आई थिंक क्योंकि इतना हमने सुना था, यू नो एट दैट टाइम ही वन द ऑस्कर एंड यू नो बहुत सारे ऐसे एक क्या बोलते हैं जो मिस्ट्री थी रहमान सर के पीछे. तो मैं, इम्तियाज और मोहित चौहान और इरशाद भाई हम गए थे चेन्नई, एंड आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम जब हम उनके रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गए, रात के टाइम थे बिकॉज ही ओनली रिकॉर्ड्स एट नाइट, ही स्लीप्स ड्यूरिंग द डे, एंड देन ही केम एंड ही लिट अ कैंडल because he gets some inspiration from that candle, and then he started playing and making us your songs, and it was so inspiring as an actor, as somebody who's part of creation, to see this man. And he is just a genius, you know, kyunki wo 4-5 ghante baith kar piano mein alag alag dhun try kar raha tha, different sounds, different voices. Then I remember I asked him that, Rehman sir, which is your favorite instrument, aur unka jawab tha human voice. And I found that so beautiful, you know, because the way he uses human voice, I don't think any composer uses that. So I think that was memorable. Perfect. So Ranbir, we yeah. had किसी और ने कुछ question पूछना? नहीं, dance तो आपके साथ करूँगा, वो तो promise है. वो मुझे बीच-बीच में इशारा कर रहे हैं ऐसे कि dance करो. करना पसंद करता हूँ मुझे पता नहीं क्योंकि अगर मैं कर पाता, बट आई थिंक अगर जस्ट इन द लास्ट 2 ईयर्स आई थिंक 3 फिल्में जो मुझे बहुत इम्पैक्ट करी द परफॉर्मेंसेस वुड बी अल्लू अर्जुन इन पुष्पा, आलिया भट्ट इन गंगूबाई, एंड आई वुड से आरआरआर. आई थिंक ऑल 3 ऑफ दीज फिल्म्स वर दे इम्पैक्टेड मी अ लॉट, यू नो, एज एन ऑडियंस एंड इवन एज एन एक्टर. आई वुड बी लाइक वाओ, इफ आई गॉट अ कैरेक्टर लाइक दिस इट वुड हैव बीन सो नाइस. So yeah, these 3. We have one question here also. Yes, hi. Hi. Mic passed. Yeah, what's that? मुझे अपनी फिल्में देखना बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि आई थिंक आप हर एक्टर को अगर ये बात पूछोगे, क्योंकि एक्टर्स क्रिंज लुकिंग एट देमसेल्व्स सीइंग देमसेल्व्स ऑन स्क्रीन. तो एक बार देखता हूँ, यू नो, जब कॉपी आ जाती है, थोड़ा बहुत एडिट में देखता हूँ अगर गाना कुछ एडिट हो गया या ये कुछ एडिट हो गया. कभी कभी डायरेक्टर्स आपको इन्वॉल्व करते हैं, यू नो, सो यू कैन बेटर इट. अगर आप भी अपनी ओपिनियन दो, अच्छा ये निकल सकता है, ये थोड़ा बेटर है, इसको रीशूट कर सकते हैं, तो वो सब प्रोसेस होता है वेरी अर्ली ऑन. बट एक बार फिल्म रेडी है, देन आई लाइक टू सी इट कम्प्लीट, यू नो, विद बैकग्राउंड म्यूजिक, विद द मिक्सिंग डन एंड एवरीथिंग. तो मैंने एक्चुअली फिल्म देखी नहीं है तू झूठी मैं मकार, मैं इस हफ्ते देख रहा हूँ. But I've been in the process of seeing the other scenes, individual scenes and songs and all of that. One last question from my side, ki aapki jitni bhi movies ab tak aapne kari hain, usme se koi character ya koi movie aisi aapko lagti hai jo aap kabhi sochte ho ki ye character main aur acha kar sakta tha ya aur better kar sakta tha? Bilkul, actually bahut sari movies hai, lekin agar mereko ek chunna hai, I would say Rajneeti. I think wo film itni achhi thi, lekin jo mera performance tha wo bahut weak tha, lekin character bahut acha tha. And kabhi kabhi aisa hota hai ki फिल्म अच्छी होती है, फिल्म सुपरहिट होती है तो सब अच्छा लगने लगता है, जब फिल्म अच्छी नहीं होती तो कुछ नहीं अच्छा लगने लगता है. जैसे मुझे लगा कि मैंने बॉम्बे वेलवेट में बहुत अच्छा काम किया, बट क्योंकि फिल्म इतनी ख़राब थी और लोगों को पसंद नहीं आया तो वो भी लोग नोटिस नहीं करते. और जहाँ राजनीति का सवाल है, वो फिल्म इतनी अच्छी थी लेकिन मेरा परफॉर्मेंस थोड़ा नीचे था, सो आई विश आई कुड बेटर दैट परफॉर्मेंस. यू ऑल्सो डांस, ओके, यू मी एंड हिम.